तो देखिए पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पहला मेथड आपके पास था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो डी का मतलब क्या था, रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब क्या था, वाटर। सो यहाँ पे आप लोग के पास अल्कोहल होगा और अल्कोहल से आप लोग किस चीज को रिमूव करेंगे, वाटर को जो है वो रिमूव करेंगे। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4, और यहाँ पे जो आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो कितना होता है 170°C। सो यहाँ पे कोई भी अल्कोहल हमने लिया है, अब ये फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल है, दो कार्बन है, सो इथेन और अल्कोहल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ओल का, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। सो इथेनॉल में हम क्या करते हैं, H2SO4 की मौजूदगी में और 170°C टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। सो एक कार्बन से हाइड्रोजन को उठा लें और दूसरे कार्बन से OH को उठा लें। सो इस कार्बन से हाइड्रोजन और OH आपस में मिलेंगे, क्या बना लेंगे, H2O। अब देखिए जब ये यहाँ से हाइड्रोजन खत्म होगा और यहाँ से OH, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी रह जाएगी और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी, या सादा अल्फाज में ये कार्बन कितने बार बना लेगा, 3 बार, और ये कार्बन भी कितने बार बना लेगा, 3 बार। अब नॉर्मली कार्बन कितने बार बनाता है, 4 बार। सो वो चौथा बार क्या कर लेते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन आपस में आप क्या कर लेंगे, परमाणु जो है बना लेंगे। सो आप लोगों ने अल्कोहल लिया और अल्कोहल से आप लोगों ने किस चीज की प्रिपरेशन की, अल्कीन की प्रिपरेशन की। सो देखिये मैंने आपको कहा कि अल्कोहल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक क्या होता है बोले, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, वो फर्दर कितने कार्बन के साथ बोले, एक कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, ऐसे अल्कोहल को आप लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। एक है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, वो फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है बोले, 2 कार्बन के साथ, इसको आप लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 3 कार्बन के साथ, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल। सो अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल से इस OH ग्रुप को रिमूव करते हैं, सो आप लोग के पास क्या बनता है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब क्या, कि अ ट्राइवेलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन जिसने 3 बार बनाए होते हैं और इसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट कार्बन। अब कार्बोकेटायन भी हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एक होता है प्राइमरी कार्बोकेटायन, एक होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एक होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, सो प्राइमरी कार्बोकेटायन वो कार्बोकेटायन होगा जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 1 कार्बन के साथ, वो कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, सो इसको आप लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और वो कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 3 कार्बन के साथ, इसको आप लोग क्या कहेंगे, बोले टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो अगर आप लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सो टर्शियरी मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। सो इसी वजह से अक्सर होकर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप लोगों को 3 अल्कोहल दिया जाए, एक प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल, एक टर्शियरी अल्कोहल, और आप लोगों से ये पूछा जाए कि कौन सा डिहाइड्रेशन रिएक्शन इजीली देगा, सो आप लोग क्या कहेंगे, कि टर्शियरी अल्कोहल क्या करेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन इजीली देगा। समझ आ रही है आप लोगों को, क्यों, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में आप लोगों के पास कौन सा कार्बोकेटायन बनता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है। सो ये अल्कोहल चाहेगा कि मैं क्या हो जाऊं, इसमें कन्वर्ट हो जाऊं, जितना क्यों तेजी के साथ चाहेगा, क्यों तेजी के साथ, क्योंकि ये स्टेबल है, तो जितना तेजी के साथ कन्वर्ट होगा उतना रिएक्शन क्या होगा, आप लोगों के पास तेजी के साथ होगा, जब रिएक्शन तेजी के साथ होगा तो आप लोगों के पास ज्यादा बनेगा। सो दैट्स व्हाई आप लोग क्या कहते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल हमें तेजी के साथ रिएक्शन देगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है। समझ आ रही है ना आप लोगों को। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। सो मैकेनिज्म देखिए आप लोग किसे कहते हैं, द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब आप लोग क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को स्टेप वाइज डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन आप लोग के पास हो रहा है, इसमें अल्कोहल करवा दे रहा है किसी में अल्कीन में। अब इस रिएक्शन को अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, मैकेनिज्म कहेंगे। अब सबको समझ आ रही है ना। तो फर्स्ट स्टेप देखिए आप लोग के पास क्या होता है, यहाँ पे अगर हम ले लें अपने अल्कोहल को, यहाँ पे आप लोग के पास CH3, यहाँ पे आप लोग के पास CH2, इसका कार्बन के साथ क्या अध्यक्ष है, OH अध्यक्ष है। सो यहाँ पे हम एसिड यूज कर रहे हैं,
और फर्स्ट ईयर में आप लोग अल्ट पढ़ के आ चुके हैं कि एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना। एसिड क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास एच पॉजिटिव आ जाता है। अब आपको मैं अल्ट बता चुका हूँ कि इस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, बोले इलेक्ट्रो, क्या कहते हैं, बोले इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इसको किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब अगर आप लोग इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो इस ऑक्सीजन में आप लोग के पास दो लोन पेयर मौजूद है और इसका अपडेट अगर आप लोग देखेंगे तो कंप्लीट है। तो इसको किस चीज की जरूरत है, प्रोटॉन की जरूरत है या न्यूक्लियस की जरूरत है। तो इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। आप सबको समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट कर लेते हैं। जब ये डोनेट करेगी तो यहाँ पे आप लोग के पास CH3, इसके साथ CH2 और ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये अपना हाइड्रोजन है। ये मतलब कौन सा हाइड्रोजन है, अपना। लेकिन इसके साथ एक और भी हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऐड हो गया। लेकिन अब इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। आप सबको समझा रही है इस बात की कि नहीं आ रही? इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जिसकी वजह से आप लोग के पास क्या आ गया, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ पे आप लोग के पास अगर आप लोग देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड की थोड़ी बहुत फॉर्मेशन हो रही है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, H2O। सो H2O आप लोग के पास क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। सो ये यहाँ से क्या करेगा, ड्यू करेगा। लेकिन किस तरह से, कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो आप लोग के पास क्या बनेगा, CH3। यहाँ पे CH इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आप लोग के पास क्या रहेगा, H2O। अच्छा यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, इस कार्बन बेचारे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इससे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के पास हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव। सो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव। और साथ साथ देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बांड बन जाएगा, बोले डबल बांड बन जाएगा। सो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आ गया है, डबल बांड आ गया है, और हाइड्रोजन जो निकल गया है वो इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव। अब ये एच पॉजिटिव दूसरे अल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, फिर H2O निकलेगा, फिर आप लोगों के पास हाइड्रोजन बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस निकलते चलेगा। बस बात निकला।